नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया को सही करार दिया है। सोमवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं थी। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने के राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती हैं। फैसले में कहा गया कि यह अदालत राष्ट्रपति के फैसले पर अपील पर विचार नहीं कर सकती कि अनुच्छेद 317 के तहत विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं या नहीं है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 फैसले दिए हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस बेंच के मुखिया थे। बेंच में सीजीआई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी मौजूद रहे। सीजीआई जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने मिलकर एक फैसला दिया, जबकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसके कौल ने अलग फैसला लिखा। पढ़िए, यहां पर बताते हैं हम आपको कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक की वो बड़े पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी। सीजीआई ने कहा कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के प्रयोगों की उचित वजह होनी चाहिए। सीजीआई ने यह भी कहा कि संवैधानिक व्यवस्था ने यह संकेत नहीं दिया कि जम्मू कश्मीर में संप्रभुता बरकरार रखी है। जम्मू कश्मीर में भारत का अभिन्न अंग है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट होता है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। सीजीआई ने कहा कि अनुच्छेद 370 और की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जम्मू कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद भी कायम रहती है। हमें यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठन वैध है या नहीं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा गया है, क्योंकि अनुच्छेद 3 राज्य के एक हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बताने की अनुमति देता है। ऐसा सीजीआई चंद्रचूड़ का कहना था अपने फैसले पे। सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि हमें नहीं लगता कि राष्ट्रपति की शक्ति का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण था। हम राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को वैध मानते हैं। सीजीआई ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यह सवाल खुला है कि क्या संसद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकती है। हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएं। राज्य का दर्जा जल्द से जल्द वहां पर बहाल किया जाए। 367 का उपयोग करके अनुच्छेद 370 में संशोधन के संबंध में उन्होंने कहा कि जब कोई प्रक्रिया निर्धारित की जाती है तो उसका पालन करना होगा। पिछले दरवाजे से संशोधन की अनुमति नहीं है, यह कहना था जस्टिस एसके कॉल का। 5 जजों की बेंच ने 16 दिन तक सुनवाई के बाद में फैसला ही सुरक्षित रखा था। 20 से ज्यादा याचिकाओं के जरिए आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। यह पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट ने इन वकील किसकी किसकी दलीलें इस मामले में सुनाई वो बताते हैं। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई नामी गिरामी वकीलों की दलीलें सुनी। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे, राकेश द्विवेदी, वीवी गिरी और अन्य ने दलीलें रखी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शान, दुष्यंत दवे और अन्य कई सारे सीनियर एडवोकेट ने वहां पर बहस की और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी अपनी दलीलें रखी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए यह साफ कर दिया कि जो केंद्र सरकार का फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था, उसमें किसी भी प्रकार की सोचने या समझने की गुंजाइश नहीं है।